हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास। आई एम कृष्ण कुमार चीपा। तो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथमेटिक्स अपना टॉपिक चल रहा है और उस वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एलजेब्रिक जो पास इक्वेशंस होती हैं, एलजेब्रिक के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें जो लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन अगर वैदिक मैथमेटिक्स के यूज से हम करें तो वो कितने इजीली और कितने क्विकली हो सकते हैं वो यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, जो मेथड है यहाँ पर सूत्र परावर्त्य योजयेत, उसके द्वारा इसमें दो मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सूत्र परावर्त्य योजयेत, तो इसमें इसकी चार एप्लीकेशंस दी हुई हैं साथियों, और वो चार एप्लीकेशंस जो हैं उसके बारे में बात करेंगे वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आप पहले अच्छे से जानते भी हैं, से आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इक्वेशन होती है यहाँ पर जिसमें एक्स वेरिएबल है और ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इस ये अपने पास इक्वेशन देखिए, तो इसमें तरह तरह की इक्वेशन आती है, इक्वेशन की फॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना दिए वैदिक मैथमेटिक्स में, एक प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड बना दिया उसको। मोस्टली अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो अपने इक्वेशन होती है उसमें ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं उनकी सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं उनको, ये जो इक्वल जो भी टर्म्स हैं उनमें आपस में जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उससे जो वेरिएबल है वो एक्स या वाई या जेड एनीथिंग एल्स जो भी है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या बता रखा है कि डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू एक फॉर्मूले के जरिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और उसमें आप कैलकुलेशन निकाल लो। बट जैसे स्टार्टिंग में पहले मैं बात कर चुका हूँ कि जो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं बहुत ही शानदार फॉर्मूले हैं, अभी तक अपन लगभग धीरे धीरे उसके एंड तक पहुँच रहे हैं, और आपने जो फॉर्मूलाज देखे हैं उन फॉर्मूलाज के अंदर आपने बात समझ ली होगी कि जो फॉर्मूला जो यहाँ पर दे रखे हैं वो उनसे जो कैलकुलेशन है वो कितने क्विकली हो रहे हैं, कितने इजीली हो पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये कि यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस अप्लाई अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हो रही है तभी वो वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने पास अगर ये सिचुएशन है और अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में है तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। भाई अपन नॉर्मली कैलकुलेशन करके जो लगाते हैं ना, कैलकुलेशन निकाल के जो टाइम लगाते हैं, यहाँ पर टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं लगना आपने, बहुत कम टाइम, जैसे कि आपने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। खैर चलो, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एलजेब्रिक जो अपने पास मैथमेटिक्स है उसके अंदर वैदिक मैथ का क्या यूज है। तो ये अपने सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन वैदिक मैथमेटिक्स से, और जैसे मैंने कहा ना कि एकदम इजीली और क्विकली सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है भी आप खुद देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैसे मोस्टली जो अपन क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता है, लेकिन जैसे ये तो एकदम सिंपल सा है, लेकिन दोनों साइड बस टर्म्स हो और टर्म्स जो है वो रेशनल फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो उनका कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब फ्रैक्शन या रेशनल फॉर्म में तो उनको पहले तो एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करना, फिर उनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना, प्रोसीजर लंबा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सॉल्व। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या बात करें, सूत्र परावर्त्य योजयेत, इसमें दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है सूत्र परावर्त्य योजयेत। तो परावर्त्य योजयेत जो फॉर्मूला है इसमें टोटल चार एप्लीकेशन बता रखी हैं, चार एप्लीकेशन मतलब चार फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। वो बात है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डिपेंडेड ऑन सिचुएशन। जैसे यहाँ पर इसने बताया, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, यू ऑल कैन सी दैट फर्स्ट एप्लीकेशन, ये कह देंगे फर्स्ट फॉर्मूला, पहला सूत्र इसका वो क्या है, क्या आपको दे रखा है कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, अगर अपने पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शायद उसने फॉर्मूला बता दिया आपको, तो आप क्या करें, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, बस ये फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब नॉर्मली अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो लास्ट में जैसे इसको अगर एज ए सोल्यूशन लें, डेराइव करें ना, तो बस आंसर ये बनना है, आप चाहे ड्राइव करके देख लीजिएगा, इसका आंसर ये बनना है। जैसे देखो मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप कंटिन्यू करें तो आप क्या करेंगे, ए एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू डी माइनस बी, काफ़ी कुछ समझ में आ भी गया होगा आपको इतनी देर में। तो x कॉमन लेने पर वी गेट ए माइनस सी इज इक्वल्स टू डी माइनस बी एंड x इज इक्वल्स टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। कुल मिला के ये सब जो है मतलब स्टेप्स करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है, और फिर इसमें अपने को वैल्यू लगा देनी है, बस वो काम आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दें एंड यू गेट द आंसर।
जैसे यहाँ पर एक अपने एग्जांपल लेके देखें, अपने कोई भी एक एग्जांपल ले लें जो से रिलेटेड हो, बस कंडीशन क्या है कि फॉर्म ये होनी चाहिए, यानी दोनों साइड वेरिएबल की टर्म हो और दोनों साइड कंस्टेंट टर्म भी हो। जैसे आपसे कहा जा रहा है 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2, ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डी माइनस बी, तो डी माइनस मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, ए माइनस सी यानी कि 5 माइनस 4। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू -1/1 मीन्स x विल बी -1, ये आंसर है। तो कहने मतलब बात हो गई ना, इजीली क्विकली, मतलब आपको सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन आप नॉर्मल सोल्व करते, आप क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोजिंग करके एक साइड लेके आते हैं इनको, ये ठीक है, या ये इधर आता, ये इधर जाता, फिर कैलकुलेट करते और फिर ट्रांसपोजिंग करते, फिर फाइनल आंसर आते। मतलब जो भी 2 से 3 या 4 स्टेप अपनी होती उनकी ज़रूरत नहीं है, सीधे ये स्टेप अपनी आनी आनी है, ये स्टेप लास्ट आएगी आएगी, तो सीधे डायरेक्ट स्टेप पर हम पहुँच गए। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको सीधा सीधा बस ये फॉर्मूला लगा देना है और सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों का सबसे जो बेस्ट यूज़ है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब कंपटीशन अपन देते हैं, कोई भी कंपटीशन आप आगे जाके फाइट करोगे, अभी तो बहुत से कंपटीशन फाइट करने हैं, अभी तो मैं स्टार्ट है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि 10th का जो अपना एग्ज़ाम होता है वो एक प्रकार से आपकी नींव है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके सक्सेस की, पहली सीढ़ी, ठीक है ना। तो अब इससे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अभी आगे 11th 12th ये बड़ी बड़ी एग्जाम को देने, उसके अलावा कई कंपटीशन आपको देने हैं जिसमें आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, आप ITJ जो है मतलब आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, या कल को आप CA CS बनना चाह रहे हैं उसके लिए आपको देने एग्ज़ाम, आपको एक जॉब के लिए एफर्ट करेंगे, जॉब के लिए ट्राई करेंगे, तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम आपको देने, और कोई भी एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के बिना नहीं होता है, ये आपको पहले बता जा चुका है और आप अच्छे से जानते भी हैं। तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत हेल्प करती हैं, तो अपना टाइम बचता है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में होता है क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम जितना कम आप लगाओगे उतने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी मार्किंग भी बढ़ेगी। तो ऐसे फॉर्मूले वहाँ पर ज़्यादा यूज़ आते हैं, बाकी वही बात है, प्रैक्टिस की नीड है। और वैसे भी चल अपन देखें तो कुल मिला के बात ये है कि अब अपन बात करें यहाँ पर 10th सिलेबस की और मार्किंग की। अगर अपने पास पेपर आ रहा है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग सूत्र परावर्ती योजित फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है इसका आंसर फाइंड करना है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा वहाँ पर। आप अपने मेथड से वहाँ पर करके आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये फॉर्मूला वहाँ पर लगाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको सीखना तो वैसे भी है, और मैंने कहा कि इन फ्यूचर कंपटीशन में इनका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी और ये सेकंड, तो जो सेकंड का फॉर्मूला जो है, सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड जो दूसरा सूत्र है उसमें, इसमें जो चेंजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पर ये सीधी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और इसमें क्या आ रही है, मैंने कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, अभी फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है अपने पास, आ रहा है। अब इसको नॉर्मली आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, वही सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और फिर उसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। इसका इसने सॉल्यूशन ये दे दिया क्या, अब ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ पर डी और बी है, यहाँ भी डी और बी है, यहाँ ए और सी है, यहाँ भी ए और सी है, बस ये क्या है, पी और क्यू से इनका प्रोडक्ट है। और वो कैसे हैं, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ए और बी जो है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, क्यू से, सी और डी किससे मल्टीप्लाई होंगे, पी से, बस वही आपको ध्यान रखना है कि डी और जो सी है उन दो पी से प्रोडक्ट दिखा दो, बी और ए को क्यू से प्रोडक्ट दिखा दो, बाकी फॉर्मूला यही यूज आएगा ऐसे कैसे, सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को, जब अपने पास जो क्वेश्चन था यही, इस क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करना चाहें, अब यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो और यहाँ पर ये कह दे 3 और यहाँ पर ये कह दे 5, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर क्या आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर पी और क्यू यानी 3 और 5 का रोल खत्म हो गया, तो 3 और 5 का रोल है तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस इस फॉर्म में लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग डी पी या डी यहाँ पर कितना है 2 और पी कितना है 3 यानी कि 6 डी पी आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, बी क्यू, बी कितना है 3 और क्यू कितना है 5, तो 5 3 = 15, ठीक है। नीचे क्या आएगा अपने पास, ए क्यू, देख रहे हैं आप यहाँ पर ए क्यू, एक यहाँ पर कितना है 5 और ये 5,
तो कितना हो गया 25 माइनस 3 टू जा 6, तो यहाँ पर तो पास कितना बच जाएगा माइनस 9, और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 19, ऐसे भी 19, तो माइनस 9 अपॉन 19 ये आंसर होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सावधानी से करने हैं, जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई होना है उससे होना है, ऐसी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है लेकिन सावधानी। जैसे अपने यहाँ पे देखें, अब पहले क्या रहा है डी पी, डी का मतलब ये डी है ये पी है, ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है बी क्यू, बी कितना ये है क्यू कितना ये है, आ गया अपने पास यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर कितना था ऐसे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलें ए क्यू, ए यहाँ पर कितना है 5 और क्यू कितना है 5, 5 जा 25 आ गया, फिर माइनस क्या करना है सी पी, सी यहाँ पर कितना अपने पास 4 और 4 3 जा सॉरी एक गलती हो गई देखी होगी ना, 4 3 जा 12, 25 माइनस 12 यहाँ पर कितना हो जाता है 13। ठीक है ना, तो इस तरीके से कह रही हो मिस्टेक है होती रहती है, अभी तो प्रैक्टिस की बात है, अपन प्रैक्टिस में हो जाती है गलतियाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, लेकिन अगर यही गलती है अपन कोई फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर हो जाए तो अपने नंबर चले जाते हैं, तो इसलिए बस सावधानी जरूरत है, मैंने क्या डायरेक्ट किया है, अदरवाइज आपको तो क्या करना है फॉर्मूला लगाना है और ध्यान से डी और पी की वैल्यू बस लगाओ, कहने का मतलब हो गया जैसे अब डी पी है तो डी यहाँ पर कितना आ रहा है यहाँ पर 2 और पी कितना है 3, आप इस तरीके से लगाएं, फिर माइनस ठीक है ना बी क्यू लगाना है, बी यहाँ पर कितना है 3 और क्यू कितना है 5, इस तरीके से आप तो वैल्यू लगा दें बस सही सही से, अपने आप ही काम चलेगा, गलती कहीं नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, अपने मैंने बताया 4 एप्लीकेशन है, 2 अपने पास हो गई, अब 2 एप्लीकेशन क्या है चलो लेट्स सी। तो जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर इसकी थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन, तो देखो थर्ड एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इफ़ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स आ रहे हैं और ए बी सी डी जैसे मैंने कहा था यहाँ पर यह नंबर्स होंगे रियल नंबर्स होंगे, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, जैसे मैंने आपसे बताया था एक डेरिवेशन मैंने करके दिखाया, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे इनको जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने पर आपको जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोजिंग करके लास्ट में फाइनल आपके पास यही फॉर्म बन के आनी है, उसने डायरेक्ट आपको क्या बता दिया कि फॉर्मूला बना दिया, बस आपको क्या करना है जो भी क्वेश्चन उसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज़ लेना है, जैसे यहाँ पर बात करें आपसे जैसे कह दिया जाए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, अब एक्स तो अपनी जगह है, बाकी ए बी सी डी ए की जगह 1 बी की जगह 2 सी की जगह 3 एंड डी की जगह 4 आ गया, आपको क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला लगा इसमें मैंने बताया था उस तरीके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से अपन सोल्व करके देख लें, तो सी डी सी यहाँ पर कितना है 3 और डी कितना है 4 यानी 3 इंटू 4 माइनस ए बी, ए बी कितना है यहाँ पर 1 एंड 2, नीचे हम आते हैं यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2 माइनस सी माइनस डी मीन्स माइनस 3 माइनस 4, वैल्यूज रिप्लेस कर दी एंड नाउ फाइंड द आंसर 3 4 जा 12 माइनस 2 यहाँ पर कितना हो जाता है ये 3 ये कितना हो जाएगा माइनस 7 एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 10 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया माइनस 4 5 टू जा 5 जा 10 एंड 2 टू जा 4 मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है माइनस 5 अपॉन 2, यहाँ पास एक एग्जांपल आ गया, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया जो फॉर्मूला है फॉर्मूला ने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर दी और उसके बाद ये कैलकुलेशन जो समझाने के लिए थोड़ा लंबा भी लिया है, बाकी आप यहीं कहीं डायरेक्ट इसका आंसर वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अपना जो टाइम है जो कैलकुलेशन का जो मल्टीप्लाई डिवाइड का जो टाइम बच रहा है ना वो टाइम बचता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से द फोर्थ एप्लीकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या कह रहा है यहाँ भी वही फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, बस यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एज ए डेनोमीटर आ रहा है, न्यूमेटर में एम और एन यानी एम और एन कोई भी नंबर हो सकता है, एम और एन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल एक्स बाकी ए से लेकर जेड तक एक्स के अलावा वाई जेड के अलावा एक्स वाई जेड है मोस्टली वेरिएबल काम में ले जाते हैं, बाकी सभी अल्फाबेट हैं वो एज ए रियल नंबर, तो ये नंबर्स की तरह आते हैं। अब जैसे इसको भी अपन सोल्व करते हैं आप यहाँ पर इसके अपन ट्रांसपोजिंग कर दें ऑब्वियसली ये इधर चला जाएगा ना, फिर आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम और बी मल्टीप्लाई होगा एन और ए मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वही चीज़ आ रही है एम बी और एन ए और नीचे क्या आ रहा है एम प्लस एन, मतलब कैलकुलेट करने पर फाइनल स्टेप आपके पास ये बननी है, बस आपको करना क्या है एम की जगह एम की वैल्यू एन की जगह एन की वैल्यू ए की जगह ए की वैल्यू बी की जगह
बी की वैल्यू लगा देनी है और फिर कैलकुलेट कर लेना है। जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशंस यहाँ पे बता रखी हैं, इन एप्लीकेशंस का यूज़ करना है। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बस आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, बस आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इस एप्लीकेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो किस एप्लीकेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से परावर्तीय योजयित में ये चार फॉर्मूले दे रखे हैं, चारों के कुछ एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाए भी हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से उनको समझें, करके देखें। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप स्कूल आ सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को उसको पालन करते हुए आप स्कूल आएँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे कॉल कर लें, बात कर लें एक बार, और बात करने के बाद आप स्कूल आएँ, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर पूछ सकते हैं। आने जाने के लिए किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, गवर्नमेंट ने पूरी छूट इस चीज़ के लिए दे दी है। बस वही बात है, मास्क का यूज़ करना है, अपना सैनिटाइज़र अपना यूज़ करना है, पानी की बोतल अपनी लानी है, किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल अपना सेफली आना है, अपना काम करना है और वापस लौट जाना है, ठीक है। बाकी टेलीफोनिक मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट ने अपने को जब छूट दी है तो आप बेनिफिट लें, ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, स्कूल आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएँ, सोल्यूशन लें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टेलीफोन पर या वीडियो के जरिए हम भी आपको नहीं बता पाते हैं। वीडियो में हम बता पा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी जो डिटेल आपको जो बता सकते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, लेकिन जो भी मिल रहा है अपने को बेस्ट मिल रहा है। इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, आप अपनी पढ़ाई में जुट जाएँ। समय धीरे धीरे अपना नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ एंड हैव ए गुड डे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।